हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम बनाएंगे मसाला पाव। तो मसाला पाव बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक पाव का पैकेट लिया है जिसमें 6 पाव होते हैं। तो ये आप जो पाव भाजी वाले पाव हैं आप उसी को यूज़ कर सकते हैं। इनको मैंने ऐसे हाफ़ करके कट कर लिया है, पूरा नहीं कट करा है, थोड़ा सा स्पेस इसमें छोड़ा है क्योंकि हम इसमें मसाला भर के इसको फ्राई करेंगे। अब एक पैन में हमने थोड़ा सा बटर ग्रीस कर लिया है और उस पैन में हम ये पाव को ऐसा रख कर इसको आगे पीछे से हम बटर में सेक देंगे। तीनों पाव को रख दिया है, अब इसको हम पलट कर आगे पीछे से सेक लेंगे। थोड़ा सा दोनों पाव में ब्रेक आ सकता है, कोई इशू नहीं है। अगर टूट भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये पाव हमारे सिक गए थे, उसको साइड कर दिया। उसी सेम पैन में हम हल्का सा बटर और डालकर इसमें हम अपने अनियन को सौते कर लेंगे, जो कि मैंने एक बड़ा प्याज लिया है उसको चॉप करके मैं सौते कर रही हूँ। अनियन जब तक सौते होते हैं हम टमाटर का मसाला बना लेते हैं। ये 2 बड़े टमाटर हैं और 4 हरी मिर्च है और कुछ 5-6 लहसुन की तुरियां हैं। इनको मैंने ग्राइंड कर लिया है और प्याज भी हमारे लगभग हो ही चुके हैं, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड कर देंगे। तो टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन, बस ये आपने प्यूरीज के अंदर ऐड कर देनी है। इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए और हल्का सा मैंने उसमें जो जार में बचा था उसमें पानी डाल के इसको ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें नमक डाल दूँगी स्वाद अनुसार और ये हल्की सी हरी मिर्च, आधा चम्मच के करीब हरी मिर्च है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर है। इसको आपने फिर से मिक्स कर देना है और अब इसमें 1 चम्मच के करीब आप हरा धनिया पाउडर डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच पाव भाजी मसाला डालेंगे। वेजीज़ में फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई वेजी भी डाल सकते हैं, बट क्योंकि टाइम मेरे पास कम है मैंने सिर्फ प्याज टमाटर लिया है और प्याज टमाटर से ही बहुत बढ़िया स्वाद आया है। तो मैंने इसमें धनिया भी ऐड कर दिया है और एक मैंने नींबू का इसमें रस डाल दिया है, आधा नींबू डाला है, आधा नींबू का रस इसमें डाल दीजिए और इसको आप मिक्स कर दीजिए। तो ये मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। गैस को कर दीजिए बंद और इसको आप एक प्लेट में निकाल लीजिए। अब उस प्लेट में निकाल के सेम पैन में, आपको पैन दूसरा नहीं यूज़ करना है, सेम पैन में आप बहुत हल्का सा बटर दोबारा डालिए। और ये पाव मेरे अलग अलग हो गए हैं तो इसमें मैंने दोनों पाव पर तीनों पाव पर मैंने मसाला लगा दिया है। ऊपर से थोड़ा सा चीज़ का टुकड़ा डाला और उसको कवर कर दिया और उसको आगे पीछे मैंने सेक लिया है। और देखिए ये हमारा मसाला पाव बिल्कुल रेडी है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। ग्रीन चटनी के साथ खाइए, ऊपर थोड़े से सेब डालिए और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।